फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एलईडी बल्ब किन किन चीजों से बनता है और उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हम एक बहुत ही शानदार बल्ब आपको आज बना के दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये बल्ब जो है एलईडी बल्ब है, 9 वाट एलईडी बल्ब है। इसकी रोशनी आप देख सकते हो, हमने यही बल्ब यूज कर रखा है, बहुत अच्छी इसकी यानी कि रोशनी होती है। तो दोस्तों ये बल्ब बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए और इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए उस सभी की बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए उसकी मशीन होती है। तो दोस्तों ये वाली जो मशीन होती है दोस्तों हमें ये मशीन चाहिए। इससे हम क्या करेंगे, इस पर जो बल्ब है हमारा, जो ये वाला बल्ब है, ये रॉ मटेरियल है, इस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मशीन पे काम करते हैं। इस मशीन से काम करने के लिए दोस्तों हमारे पास ये होता है, बल्ब का कैप होता है, उसके बाद ये प्लास्टिक वाला होता है, इसके बाद सर्किट सेट करने के बाद कैप सेट करेंगे, कैप के बाद एलईडी सेट करते हैं और एलईडी सेट करने के बाद दोस्तों हम इसका ग्लास सेट कर देते। सबसे पहले एलईडी सेट करने के लिए इसको दोस्तों सबसे इसको यहाँ लगा देंगे, मशीन में लगा दिया। लगाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर इसको अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम ये वाली कैप लगाएंगे, ये लगाएंगे और इसको दबा देंगे और इसको दबा के ऐसे यहाँ से और एक झटका इसको इधर खींच लेंगे, इसको इधर खींच लेंगे तो ये बल्ब हमारा सेट हो जाएगा। तो जिस हम खींचेंगे इसको तो ये सेट हो जाएगा और लग जाता है। आपको दूसरे वीडियो में पूरा बना के दिखाएंगे। तो ये इस प्रकार से ऊपर कैप लग जाएगा। कैप लगाने के बाद इसमें सर्किट लगाएंगे। सर्किट किसी लिए दोस्तों, सर्किट हमें सेट करने के लिए हमारे पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए, सोल्डरिंग वायर होना चाहिए, सोल्डरिंग पेस्ट होनी चाहिए, मल्टीमीटर होना चाहिए चेक करने के लिए, और फिर एलईडी चिपकाने के लिए पेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास रॉ मटेरियल में सबसे पहले कैप होनी चाहिए, फिर इसकी ये व्हाइट वाली कैप हो, इसके बाद सर्किट सेट करेंगे, इसके बाद ये वाली कैप सेट करेंगे और उसके बाद फाइनल बल्ब बनके इस प्रकार से हमारा तैयार हो जाएगा। दोस्तों यदि आप भी बल्ब बनाना चाहते हैं तो ये मटेरियल जो आपको नजर आ रहा है, फिर उसके बाद सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग वायर है, पेस्ट है, मल्टीमीटर है, स्क्रू ड्राइवर सेट है, ये सब आपको ले आना होगा। और दोस्तों ये जो मटेरियल है इसकी कॉस्ट बता देंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब हम कमेंट में जानकारी आपको दे देंगे। दोस्तों यदि आप भी बल्ब बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा बिजनेस है और आप इसमें अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों इसके ये प्रक्रिया करने के बाद एक प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, सर्किट लगाएंगे। सर्किट लगाने के लिए दोस्तों इसको हम सोल्डरिंग आयरन की सहायता से सर्किट लगा देंगे। सर्किट के बाद इस मशीन पे जाएंगे दोस्तों, इसको यहाँ रखेंगे और ये कैप, ये वाली कैप है, ये इसमें वायर इधर से लेके ये वाली कैप सेट हो जाती है दोस्तों यहाँ से करके, और इस मशीन को हम ऐसे दबाएंगे और ये सेट हो जाएगी। ये वाला सेट करने के बाद बल्ब का प्रकार कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद हम इसको इसी को यहाँ रखेंगे दूसरी जगह और इसमें बल्ब लगाया। अब सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम इस पर ये वाली जो हमारे पास जो एलईडी है दोस्तों, एलईडी पेस्ट की सहायता से हम चिपकाएंगे इस पर और चिपका के इसको सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद फाइनल होता है दोस्तों इसकी ये वाली कैप लगाना, फिर इस पर ये वाली कैप सेट कर देते हैं, फिर हमारा फाइनल बल्ब है जो बनके तैयार हो जाता है, जो कि इस प्रकार से बनता है। फिर इसको चेक करने के लिए दोस्तों इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी होल्डर होना चाहिए, होल्डर में हम बल्ब लगाएंगे। दोस्तों हमने बल्ब लगाया, चेक किया बल्ब, बिल्कुल कितना अच्छा शानदार बल्ब बना, देखो। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी बल्ब, ये कंप्लीट बल्ब बनके तैयार हो गया। दोस्तों आप भी बल्ब बना सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी यदि लेना चाहो, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से मशीन मिलेगी और कितना क्या मुनाफा हो जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और हम आपकी डिस्क्रिप्शन में इसकी संपूर्ण जानकारी
दे देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आगे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या क्या चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।